बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साबर हसैन। उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा है। आज हम बनाएंगे इफ्तारी। इफ्तारी में हम क्या कुछ बनाएंगे, आइए हम आपको दिखाते हैं। इफ्तारी में हम सबसे पहले बनाएंगे चिकन पुलाव। चिकन पुलाव बनाने के लिए हमने चावल लिए हैं। चावलों को हमने अच्छी तरह साफ कर लिया है। अब हम चावलों को धो लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को हमने दो दफ़ा धोकर पानी निकाल लिया है। अब हम चावलों को भिगो कर रख देंगे आधे घंटे के लिए। चूल्हे में आग हमने जला ली है। अब हम देगची को रख लेंगे चूल्हे पर। देगची में डालेंगे ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम ऑयल में डाल देंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटरों को भी थोड़ी देर फ्राई करेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह नरम हो जाए। टमाटरों को थोड़ी देर हमने फ्राई किया है। टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट। मिक्स करेंगे। अदरक को मिक्स करने के बाद थोड़ी देर फ्राई करेंगे ताकि अदरक की कच्चेपन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर तक हमने अदरक को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे और थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे ताकि सब्ज़ मिर्चें भी नरम हो जाए। सब्ज़ मिर्चों को भी हमने थोड़ी देर फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई काली मिर्चें, हल्दी पाउडर और नमक। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि तड़का नीचे न लगे। तड़के को हमने अच्छी तरह भून लिया है। तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन को हमने धोकर अच्छी तरह साफ कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 5 से 6 मिनट तक हम चिकन को भूनेंगे ताकि जो मसाला है चिकन के अंदर अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। चिकन को 6 मिनट तक हमने भून लिया है। मसाला अच्छी तरह जज़्ब हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। जितने हमारे चावल हैं उससे दोगुना हम पानी डालेंगे। चावल हमारे हैं 1.5 कौल, हम 3 कौल इसमें पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालने के बाद मिक्स करेंगे और ऊपर देंगे ढकना। पानी को उबाल आने देंगे। पानी हमारा उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे भुगो कर रखे हुए चावल। चावलों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ऊपर देंगे ढकना और चावलों को पकने देंगे। चावलों से पानी खुश्क हो चुका है। दम लगा देंगे और चूल्हे से उतार लेंगे। चावलों को हमने दम लगा कर रख दिया है। अब हम स्ट्रॉबेरी और केले का मिल्कशेक बना लेंगे। जग में हमने दूध डाल लिया है। दूध में हम चीनी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही स्ट्रॉबेरियां डाल देंगे। और केले डाल लेंगे। ऊपर देंगे ढकना, मशीन को चला देंगे। स्ट्रॉबेरी और केले का मिल्कशेक हमारा तैयार हो चुका है।
चावलों को दम लगा कर रखे हुए, 5 मिनट हो चुके हैं, दम को उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चावलों को प्लेटों में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार में हमने बनाया है पुलाव, साथ हमने लिए हैं समोसे, इमली आलू बुखारा का पानी बनाया है, खजूरें ली हैं, खरबूजे, अमरूद, साथ में हमने लिया है स्ट्रॉबेरी और केले का मिल्कशेक। तो ये थी हमारी आज की दूसरे रोजे की इफ्तारी। अगर आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त अहबाब के साथ, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल विल्ज फास्ट फूड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।